ओम शांति। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। भ्रुकुटी के बीच विराजित मैं एक चैतन्य सितारा हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभामंडल है। मैं सर्वशक्तिवान प्रकाश स्वरूप ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। मैं आत्मा शिव परमात्मा का प्यारा बच्चा हूं। मैं दिव्य प्रकाश की दुनिया परम धाम का निवासी हूं। परम धाम निवासी प्यारे शिव बाबा की याद में मगन मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर उड़ान भरता हूं परम धाम की ओर। अंतरिक्ष को पार कर सूक्ष्म वतन से भी पार जाकर मैं पहुंच जाता हूं अपने घर परम धाम। मैं यहां सर्वशक्तियों के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूं। ब्रह्म महत्त्व में सर्वशक्तियों के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्वशक्तियां चारों ओर फैली हुई है। चारों तरफ शक्तियों का दरिया नजर आ रहा है। शिव बाबा से निकलती सर्वशक्तियों की किरणें अब मुझ आत्मा में समा रही है।
मैं आत्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों से चार्ज हो रहा हूं। परमात्मा शक्तियों से मेरे सारे पुराने संस्कार समाप्त हो रहे हैं। सर्व परमात्मा शक्तियों को स्वयं में धारण करने से मैं आत्मा सभी पुराने संस्कारों से मुक्त अनुभव कर रहा हूं। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा के समान अब मैं आत्मा भी सर्व परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूं। ऑलमाइटी बाबा ने मुझे भी सर्व शक्तियों से संपन्न बना दिया है। सभी परमात्मा शक्तियों से संपन्न होकर बाप समान बनकर मैं आत्मा अब लौट चलता हूं साकार वतन। विराजमान हो जाता हूं मस्तक सिंहासन पर। अब देखेंगे अपना सर्वशक्ति संपन्न ब्राह्मण स्वरूप। सर्व शक्तियों रूपी अलंकारों से सजा सजाया अपना अलंकारी रूप। मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूं। अब कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार मुझे टच कर नहीं सकता। इस पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु व व्यक्ति मुझ पर प्रभाव डाल नहीं सकती। मैं सच्चा वैष्णव हूं। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज मुझे टच कर नहीं सकती।
मैं सर्व परमात्मा शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। अब चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे परिस्थिति द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी विघ्न आए, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा सदा एक रस अचल अडोल स्थिति में स्थित रहता हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वशक्तियों रूपी अलंकारों से सजे सजाए रहकर ही मैं भविष्य में विष्णुवंशी अलंकारी देवता बनता हूं। शांति।